नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। वीडियो चलाओ, काम करते रहो और प्रश्न को सुनते रहो और अपनी मेमोरी को रिकवर करते रहो। ऑडियो की पहली क्लास यूट्यूब पर पहली बार, तो शुरू करते हैं सिलसिला। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक कर देना भैया, बिल्कुल हमारे एनर्जी के लिए। शुरू हुआ सिलसिला। खेतड़ी जो है ये तांबा उत्पादन में प्रथम है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्योदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए गुलाब दिवस, तो कोई भी ऐसा नवयुवक नहीं होगा जो इस डेट को ना जानता हो। तो बिल्कुल गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 अक्टूबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मिक्स वेज फ्राई वेज समझिए, लेकिन आपके एग्जाम में रामबाण साबित नहीं हुए ना, तो भैया हमें जिंदा जला देना। बिल्कुल मिलेंगे आपसे हम यूट्यूब पर। बिल्कुल चलिए आते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट के लिए सतना और कटनी प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और भैया आगे बढ़ते हैं। देश का पहला लौह इस्पात जो है कौन सा था? कुल्टी था। और भारत में लवण नदी के रूप में लूणी नदी को जाना जाता है। जी बिल्कुल। और जीका वायरस मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अगर आपसे पूछता है कि जीका वायरस किस पे प्रभाव डालता है, तो मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल भैया दमदार क्लास है, चलेगी 2 से 3 घंटे। अब देखने की बात यह है मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितना चला लेता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इंसान का कोई अंग सबसे पहले प्रभावित होता है कोई दृश्य देखकर या फिर किसी और वजह से, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन देता हूं अस्थियां, ऑप्शन देता हूं मस्तिष्क, ऑप्शन देता हूं आंख, ऑप्शन देता हूं नाक। तो अगर इन चार विकल्पों में बात की जाए, तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो होता है आंख। किसी का चोट देखकर, किसी का दर्द देखकर, तो आंख सबसे पहले प्रभावित होता है। किसी बंदे ने कमेंट किया था कि मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो भैया आपको मैं बता दूं, अगर मस्तिष्क प्रभावित सबसे ज्यादा होने लगे ना, तो इंडिया में सबसे ज्यादा पागल टहलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में घटना ही ऐसी होती है। चलिए फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और सारे प्रश्न को रिकवर करते हैं। आज मेरा टारगेट है कम से कम 1000 प्रश्नों के संग्रह का सीरीज, तो भैया वीडियो पूरा देखना। चलिए बात करते हैं, महासचिव संयुक्त राष्ट्र कौन है भैया? तो एंटोनियो गुटेरिस हैं, जो कि कौन है भैया? पुर्तगाल के हैं। बात करते हैं समताप मंडल की, तो समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्टेटोस्फीयर कहते हैं। इन चीज में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग रहती है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। एक मिनट, समताप मंडल को स्टेटोस्फीयर कहते हैं, जिसकी दूरी कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और आयन मंडल आयनोस्फीयर, जिसकी दूरी 80 से 640 किलोमीटर है। और अगर आपसे मध्य मंडल की बात की जाए, जिसको हेक्सोस्फीयर बोलते हैं, 50 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की बात की जाए, मेसोस्फीयर बोलते हैं, 640 से 1000 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की बात की जाए, जिसे टोपोस्फीयर यानी कि ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, 18 से 8 किलोमीटर। ओजोन का क्षरण उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध आपका मार्च अप्रैल में होता है, और ओजोन का क्षरण दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर और अक्टूबर में होता है। ओजोन की सबसे मोटी परत कहाँ भैया? श्रीनगर में है, श्रीनगर में। और अगर सबसे कम की बात की जाए, तो ये आपका त्रिवेंद्रपुरम में है। ओजोन सुबह 8 बजे तक बढ़ता है और ओजोन शाम 6 बजे तक घटता है। तो बिल्कुल मिक्स वेज फ्राई वेज करके सभी को पी डालिए। और पीने के बाद मैं गारंटी लेता हूं, अगर भैया आप ये 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि यहां से अगर कोई भी एग्जाम दे के आओ ना, आपके प्रश्न नहीं मिले तो बोला मुझे जिंदा जला देना। चलिए बात करते हैं ISI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन।
चलिए, शनि यह पीला ग्रह के नाम से मशहूर है। इसके 63 प्लस उपग्रह हैं। पृथ्वी को जली ग्रह, नीला ग्रह, अनोखा ग्रह कहते हैं। मंगल के 687 दिन परिक्रमा करता है और 23 अंश झुका होता है। मंगल कितना दिन परिक्रमा करता है? 687 दिन परिक्रमा करता है और 23.5 अंश झुका होता है। इसके उपग्रह भी हैं जिनका नाम फोबोस और डीबोस है। बृहस्पति 1.3 अंश यानी कि 1.3 अंश झुका है और 11.9 वर्ष में परिक्रमा करता है। इसके 67 प्लस यानी कि 67 प्लस उपग्रह हैं। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं? जब एक समांतर में सीधी रेखा में होते हैं तो वहां पर दीर्घ ज्वार होता है। और लघु ज्वार की बात करें तो जब लंबवत में होते हैं तो वहां पर लघु ज्वार होता है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी के 2/3 भाग प्रशांत महासागर से होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आधे से अधिक जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो सभी प्रशांत महासागर से होता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को। चलिए एक मार्ग बात करते हैं। एक मार्ग 205 उत्पादों पर लगने वाला शुल्क है और यह 1986 में लागू हुआ था। इसका चिन्ह आपको मैं यहां से कैसे दिखा सकता हूं उसको आप देख लीजिएगा। ISI ये 1995 में भारतीय मानक ब्यूरो विनिमय निर्माण वाली वस्तु पर लगती है। ISI हमने इसका आपको फुल फॉर्म बताया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इकोमार्क 1901 में लागू हुआ था जो कि वस्तु परिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप होती है, उस पे लगता है। और हॉलमार्क की बात की जाए तो हर बंदा जानता होगा, हर गृहिणी जानती होंगी हॉलमार्क कहाँ लगता है। 2000 में भारतीय ब्यूरो चिन्ह के अनुसार सोने की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के बारे में लगाकर उस पे ठप्पा लगाया जाता है जिसे हॉलमार्क कहते हैं। कार्बन कैप्चर CO2 को वायुमंडल में छोड़ने के बजाय विशिष्ट माध्यम से ग्रहण किया जाए उसे कार्बन कैप्चर कहते हैं। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? फिनलैंड है, जो कि भैया 1990 की बात है। बिल्कुल। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होते हैं? तो बायोल्यूमिनेसेंस बिना ताप के शरीर के अंगों से विभिन्न प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन करना ही बायोल्यूमिनेसेंस होता है। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जान लीजिए जुगनू से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसमें कोई ताप नहीं होता। चलिए ग्रीन मफलर क्या होते हैं? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए रेल की पटरियों पर या सड़कों के किनारे झाड़ियां लगाई जाती हैं और यही प्रक्रिया ग्रीन मफलर कहलाती है। ज़िरिक पौधों की वृद्धि के लिए उत्सर्जन नमी की आर्द्रता को ज़िरिक कहते हैं। बिल्कुल। चलिए इंडोफोबोलॉजी ये क्या होता है? पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, अध्ययन किया जाता है और इंडोफोबोलॉजी कहलाता है। इको टूरिज्म ऐसे स्थानों का मनोरंजन के जो है अनुकूल हो तो वो क्या होता है? इको टूरिज्म होता है। ऐसे स्थान जो मनोरंजन के अनुकूल हो वो इको टूरिज्म कहलाते हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या होता है? जो जीवों के बीच का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम 1869 में हर्नेस्ट हैकल जो कि जर्मनी के हैं इन्होंने बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें, इकोलॉजी सिस्टम से बोलते हैं। एजी टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में जो कि अमेरिका के हैं जैविक और अजैविक पदार्थों की परस्पर प्रकृति क्रिया किया था। चलिए पारिस्थितिकी निकट क्या होता है? किसी भी परिसर में पदार्थ जैविक जंतुओं एवं पदार्थ के सुरक्षित स्थान को वहां पर निवास करते हैं और इसे हम पारिस्थितिकी निकट कहते हैं। पारिस्थितिकी निकट का पता किसने लगाया? ग्रीन लेंस ने 1971 में जो कि अमेरिका के हैं। एक चीज मैं अपना सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा, अगर आपसे कोई मुख्यालय की बात करता है पर्यावरण में तो भैया अगर आपको नहीं पता है तो जेनेवा लगाना,
मैं गारंटी लेता हूं 70% आपके चांस सही होने के होंगे। अगर कोई वैज्ञानिक की बात की जाए कि ये वैज्ञानिक कहां के हैं और आपको नहीं पता है तो अमेरिका लगाना भैया, क्योंकि जो कुछ भी है मैंने जितना अध्ययन किया है, मैंने दो चीज ये कॉम्प्रोमाइज किया है, अपने अपने आप के साथ समझौता किया है यार कि जो कुछ भी है साला अमेरिका में ही है। और आपको बता दें जो कुछ भी मुख्यालय है जेनेवा में है। अगर मेरी बातें आपको गलत लग रही हैं बंधु तो प्लीज कमेंट करके इस पे आप टिप्पणी कर सकते हैं। दरअसल चलिए आगे चलते हैं। ISO ये क्या होता है? ISO 14,000 मानक पर्यावरण का तथ्य है ये। चलिए आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद एवं विभिन्न श्रेणियों के उत्पादकताओं जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के जंतुओं की संख्या जैसे भाग संचित ऊर्जा परस्पर संबंध होते हैं और इन्हीं संबंधों का चित्रमय प्रदर्शन पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और इसके जो खोजकर्ता हैं हेल्टन जी हैं और 1927 में इन्होंने किया था। तीन प्रकार के पिरामिड बताया था, जैव संख्या पिरामिड, जैव भार संख्या पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो बिल्कुल मैं आज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर्यावरण का लेने वाला हूँ, लेकिन ऐसा आप समझिए इसी में मिक्स वेज है। मिक्स वेज सब्जी तो आपने खाई ही होगी। चलिए नोबेल पुरस्कार की शुभारंभ कब हुई थी? भैया 1901 ईस्वी जो है ये नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ कराया था। रविंद्र कुमार सिन्हा एक बिहारी हैं और इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुंदर लाल बहुगुड़ा का नाम तो हर स्टूडेंट सुने होंगे, अगर आप स्टडी से रिलेटेड हैं स्टूडेंट हैं तो। सुंदर लाल बहुगुड़ा एक पर्यावरणवादी हैं। 1972 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर स्थान पर इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। चलिए इनके बारे में बस इतना ही है। और इनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट भी थे जो चिपको आंदोलन दोनों ने मिलकर चलाया था। एपिको आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांडुरंग हेगड़े द्वारा 1986 में चलाया गया था जो कि कर्नाटक में, जो चिपको का मतलब होता है वही एपिको का भी मतलब होता है, लेकिन ये कर्नाटक है उस भाषा में इसको एपिको कहते हैं। तो वही सेम जो यहाँ पर वन की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक कर उसे काटने के रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था, सेम उसी तरह जो है पांडुरंग हेगड़े जी ने भी कर्नाटक में चलाया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल आपने तो सुना ही होगा, कई बार ये क्वेश्चन मिलता है आपसे हर जगह, चाहे वो आपका डीएलएड एग्जाम हो बीटीसी एग्जाम हो मिलता है आपसे। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति 1969 में चलाया गया था और स्पेशल रूप से मैक्सिगन जो कि बौनी प्रजाति का गेहूं था उसी के लिए चलाया गया था। हरित क्रांति की खोज किसने की? विलियम गैंडो। और सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने चलाया था। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हैं और बिल्कुल मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हैं। और इनके साथ अरुंधति राय थी जिनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के लिए वाटर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं और इन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से नवाजा गया था, यानी कि पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ अन्य और लोग थे और उनको भी मिला था माधवा आत्माराम चितारे, सुनीता नारायणन, आसित के विश्वास, बिंधेश्वर पाठक। तो भैया माधवाराम आत्मा चितारे को 1993 में और सुनीता नारायण को 2005 में, आसित के विश्वास को 2006 में, बिंधेश्वर पाठक को 2009 में। बंगारी मथाई ये भैया कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मोमेंट यानी कि ग्रीन बेल्ट मोमेंट आंदोलन चलाए थे और ये एक पर्यावरणवादी हैं। इन्हें 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इसमें नॉर्वे के 5 सदस्य भी शामिल थे। अनिल अग्रवाल एक पर्यावरणवादी हैं जो कि इनकी एक पत्रिका बहुत ही मशहूर है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ।
चलिए बात करते हैं आगे, लाइफ स्किप इन पेनिसिलिन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो माधव गाडगिल। और अगर आपसे बात किया जाए दोहा जलवायु सम्मेलन कब हुआ था, तो दोहा जलवायु सम्मेलन ये कटक में हुआ था 2012 में। बिल्कुल जितने भी हैं सभी अपने आप में दमदार क्लास, मुकाबला टक्कर का। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। और ओखला पच्ची बिहार ये कहाँ भैया, गाजियाबाद में पड़ता है। और गाजियाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सलीम अली पच्ची बिहार। तो ये कहाँ है सलीम अली पच्ची बिहार, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक पक्षी पर्यवेक्षक थे जो कि 500 प्रकार की पक्षियों की भाषा जानते थे। इनकी एक पुस्तक है द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स, क्या है द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स। और एक पक्षी विहार भी है बिल्कुल, और बता दें ये कहां पर है, कोयम्बटूर में है। और सलीम अली एक अभ्यारण है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए डॉक्टर रामदेव मिश्रा ये भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कहे जाते हैं, जो 1937 में PhD रिसर्च किए थे। 1956 में एक संस्था इंटरनेशनल ट्रॉपिकल फॉर इकोलॉजी की स्थापना किए थे। चलिए बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं बाबा आमटे। अलगोर कौन है, पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये एक पर्यावरणवादी हैं। IPCC के साथ 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था भैया किसको, बिल्कुल अलगोर पूर्व राष्ट्रपति हैं, कहां के उपराष्ट्रपति हैं, है नहीं थे, कौन अलगोर, अमेरिका के, अमेरिका के। चलिए बात करते हैं यहां पर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। पर्यावरण संस्था और स्थापना सन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का, तब आप कोयम्बटूर लगाएंगे। चलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संस्था पीटर वेंसन में है और 1961 यानी कि लंदन में स्थापना हुआ था 1961 में। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट ये 1958 में हुआ था और ये भी लंदन एम्स्टर्डम में है। और बात की जाए फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, तो ये कहाँ पर है, नीदरलैंड, ये भी एम्स्टर्डम में है। 1871 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रीन पीस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स्टर्डम यानी कि लंदन, ये 1971 में स्थापना हुई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क अमेरिका, अमेरिका यानी कि 1978 में। और अगर माइनेटरिंग राइट्स ग्रुप की बात की जाए तो ये लंदन में है 1965 में। रेड क्रॉस जिनेवा 1863 में। और वर्ल्ड कंजर्वेशन अगर पूछा जाए आपसे, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो ये कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड में पड़ता है 1983 में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड में पड़ता है जो कि स्विट्जरलैंड में है और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जिनेवा में पड़ता है और स्विट्जरलैंड में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे में पड़ती है, 1883 में स्थापना हुई थी। और सबसे पुराना गैर सरकारी संगठन है और जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। वर्ल्ड फॉर नेचर फॉर इंडिया इसकी स्थापना 1969 में मुंबई में हुई थी, पर ये अब दिल्ली में है। और दिल्ली में कब लाई गई, तो 1982 ईस्वी को। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, तो ये जो है किससे संबंधित है, पत्र पत्रिका का प्रकाशन से है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी जो कि दिल्ली में है। एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर ये भी पर्यावरण से संबंधित है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी जो कि चेन्नई में पड़ता है एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर। पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये आपका अहमदाबाद में है और स्थापना हुआ था 1989 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
ये आधिकारिक के प्रशिक्षण के लिए यानी कि अधिकारियों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है, देहरादून में है, 1982 में स्थापना हुई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कलकत्ता में पड़ता है और ये 1916 में क्या हुआ था, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। सलीम अली सेंटर की बात हमने कर ली, कोयम्बटूर में पड़ता है, आपको बताया हमने। चलिए बात करते हैं रेगिस्तान की, तो दक्षिण गोलार्ध में कितने रेगिस्तान हैं, पेंटागोनिया है जो कि अर्जेंटीना में है, आटाकामी है, चिली है, कालाहारी है, बोस्वाना है, सिंपसन है, गिंडसन है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया है और एनर्ड जेट है। ये सब रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध के हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए, सभी आपके जो रेगिस्तान हैं तो आपका सीरा है, नेवदा है, सेंचुरी है जो कि अमेरिका में पड़ता है, और इसके बाद हमद और नाफूद है सऊदी अरब में पड़ता है, गोबी मंगोलिया में है, तकलामाकन है, चिन्हुआ है जो कि चीन में पड़ता है, और थार तो आपको पता है। तो थार कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान में। चलिए भारत में प्रथम जो है महिला, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और प्रथम इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती सिन्हा हैं और प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, प्रथम आईपीएस किरण बेदी हैं, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, प्रथम संघ लोक सेवा अध्यक्ष रोज विलियम थेम्पू हैं, प्रथम नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा हैं, मतलब प्रथम नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था महिला में, प्रथम महिला मेयर हैं और ये क्या है, तारा चेरियन जो कि मद्रास में हैं, प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है, प्रथम देश की किस राज्य की मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन जो कि तमिलनाडु के हैं, प्रथम सांसद राधाबाई सुब्रायन, क्या है, राधाबाई सुब्रायन। चलिए अब बात करते हैं आपसे मिक्स वेज फ्राई वेज, यहाँ पर आते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है, और एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वो भी है। तीन क्वेश्चन, तीनों में ओवरऑल कंफ्यूजिंग बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, और अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी रेगिस्तान नहीं है। भारत का स्थानांतरित कृषि, भारत का दीपा बोवार डहियार ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की जाती है, जारा और एरेका ये केरल कर्नाटक तमिलनाडु में की जाती है, पेडा डीपी पोडू ये केरल और कर्नाटक में है, बन्ना बालरा राजस्थान में, कमान बिंगा धावी उड़ीसा में, ये सभी स्थानांतरित कृषि हैं जो अन्य अन्य राज्यों में की जाती हैं। पलामू मणिपुर बूल झारखंड झूम भैया बहुत मशहूर है, कई बार पूछा गया है, तो उत्तराखंड झारखंड सिक्किम अरुणाचल, और ये किसके द्वारा किया जाता है झूम, तो भोटिया जनजाति के द्वारा, पूनम और कुमारी ये कृषि आपका केरल में होता है। ओणम के त्योहार में घरों में बनाया जाने वाला रंगोली को अतापू कहते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति है गौड़, और बात करें विश्व में घास के मैदान, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बारंबार। पंपास अर्जेंटीना, कंपोज ब्राजील, क्रांचोको अर्जेंटीना, डाउंस ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, पहाना श्रीलंका, प्रेरी आपका कनाडा और अमेरिका दोनों जगह पड़ता है, लानोस वेनेजुएला, कैंटनबरी न्यूजीलैंड, स्टेपी रूस, सवाना रूस और अफ्रीका, मांटो ग्रांटो ब्राजील, पुस्तस ये आपका पड़ता है हंगरी में, कहां पर पड़ता है गाइस, हंगरी में। तो शुरू हुआ सिलसिला नगाड़े की चोट पर और यूट्यूब पर पहली बार। चलिए
स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी ये 182 मीटर ऊंची है जो कि गुजरात में पड़ती है और सरदार पटेल जी की मूर्ति है। संविधान के 169 में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान है वर्णन किया गया है। राइटर बिल्डिंग पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन को कहा जाता है। संसद की सूचना का अधिकार नियम को 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 है जो कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की खोज तो किसने किया था? कैवेंडिश ने। गोबर गैस प्रणाली के जनक सीवी देसाई हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बात की जाए तो 1972 ईस्वी को पारित हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्यों है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है? भारत का पहला हरित शहर कौन है तो अगरतला है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रणाली का संबंध गृह मंत्रालय से होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का जनक आपको बताया था चार्ल्स एल्टन 1927 में, कहाँ के? अमेरिका के। पर्यावरण मुख्य सम्मेलन रियो 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 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये कहाँ पर हुआ था? हो ब्राजील में 1992 में हुआ था। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ था भैया? 1973 में। सीसा से वायु, पारा से जल प्रदूषक होता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है लेकिन घोषणा इसकी कब से हुई थी मनाने की? 1948 से। टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है वनस्पति और विकास ध्रुव की संकल्पना जोसेफ लॉसेन ने दी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में पड़ता है और ये जोधपुर कहाँ पड़ता है? हो ये जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। विलुप्त प्रजाति कोई पक्षी है कोई जानवर है जो विलुप्त हो गए हमारे देश से और 40 वर्षों तक दिखवे नहीं किए तो उनको हम रेड डाटा बुक की श्रेणी में डाल देते हैं। बिल्कुल। जंगली गधा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है भैया? तो ये आपका कच्छ करण उद्यान है। टुंड्रा बायोम हमेशा क्या होता है? पत्तों से ढका होता है। जल प्रदूषक मार्च 1974 को लागू हुआ था। बिल्कुल। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश कांडला में स्थित है। सबसे बड़ा चीता सुरक्षित केंद्र नागार्जुन में है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आपको बता दें सुंदर वन जो कि पश्चिम बंगाल में है और नवाबगंज पश्चिम बिहार ये आपका उन्नाव में है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। केवला देव पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में पड़ता है जो कि घाना पक्षी के नाम से मशहूर है। लिविंग प्लेट नेट सूचकांक जो कि जैव विविधता के स्थित का सूचकांक है। वर्ष 2016 तथा यूनेस्को ने भारत के 35 विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं और भारत का समुद्रीकृत पार्क एक है जिसका नाम है कच्छ करण। कौन सा है? कच्छ करण जो कि गुजरात में पड़ता है। कस्तूरी मृग के लिए वृद्ध हिमालय पर्वत क्षेत्र जो कि दाची ग्राम उद्यान में है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल, क्या है भैया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल ये आपका दिल्ली में स्थित है। यमुना एक्शन प्लान 1993 में चलाया गया था। वृक्ष मानव रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को कहा जाता है जो कि इंग्लैंड के हैं। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। अपना वन अपना धन योजना ये हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था।
50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का जो है क्या है मौसम है और मौसम परिवर्तन समझौता जो है 21 मार्च 1994 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत में यूरो मानदंड 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया था। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना का उद्देश्य इंग्लैंड के पर्यावरणवादी अल्बर्ट स्वीटजन ने दिया था। चिंकारा के लिए प्रसिद्ध दाची ग्राम है जो कि असम में पड़ता है और देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण सिद्धांत लंतूर ने दिया था। कौन दिया था? लंतूर ने दिया था। दो भिन्न समुदाय के बीच का सांस्कृतिक क्षेत्रफल क्या होता है? ट्रोकोट्रोन होता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं और विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील वान झील है जो कि तुर्की में स्थित है, बिल्कुल तुर्की में स्थित है। और पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कितना है भैया? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कितना है? 20% है। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में, बिल्कुल जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 ईस्वी में रसायन और जैविक हथियारों का निवेश करने के लिए जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, परंतु इस प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए जापान ने चीन में प्लेग के जीवाणुओं द्वारा प्रदूषण फैला दिया था। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता साइट्स है जो कि 1973 में समझौता हुआ था। साइट्स का 18वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में कोलंबो यानी कि श्रीलंका में संपन्न हुआ था। बिल्कुल जितनी भी क्वेश्चन है सभी आपके मिक्स बेस यानी कि हाइब्रिड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए होंगे रामबाण सिद्ध। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये तो आपका हो जाएगा क्या? बाल विकास। फिलहाल हम बाल विकास पर बात करने वाले नहीं हैं। आज हम पूरे मिक्स वेज जितने भी आपके पर्यावरण के जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं सभी को रिकवर करने वाले हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय आपको मैंने पहले बताया न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। कनाडा 2011 में क्यूटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जिनेवा में संपन्न हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और द्वितीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। हरित शांति क्या है? इस संस्था की स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह में हुआ था और इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा करना था और इसमें जो है 55 देश शामिल थे। वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के अंतर्गत अन्य जीवों का संरक्षण 1885 ईस्वी में और वन्य जीव संरक्षण की जो स्थापना की गई इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। बिल्कुल वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1974 ईस्वी में अमेरिका के लिस्टर ब्राउन में इस संस्था की स्थापना की गई। इसमें 3 मूल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जलवायु, ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण। स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि अगर आपसे कहा जाए स्वराज शब्द के जन्मदाता कौन है तो दयानंद सरस्वती जी। राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है तो विलियम बिसार्ट हैं। कौन है? विलियम बिसार्ट, ये राष्ट्रवाद के जन्मदाता हैं। चलिए, नागार्जुन सागर ये लकड़बग्घा के लिए प्रसिद्ध है और ये आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल महावीर ये आपका गोवा में है जी। प्रसिद्ध उद्यान देख लेते हैं, पलामू ये आपका झारखंड में है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है जो कि हाथी चीता तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में है मगरमच्छ के लिए है, और किबिल जाओ ये मणिपुर में है,
और चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश में है, बाघ तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है, बिल्कुल भीतर कनिका उड़ीसा में है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, केवला देव पक्षी विहार राजस्थान में पड़ता है जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, नामदफा जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर यह भी राजस्थान में है और सरिस्का ये आपका राजस्थान में है, चीता तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, तदोबा ये आपका महाराष्ट्र में है और गर्म पानी ये आपका असम में है। प्रमुख जानवर एवं उसकी नस्लें, जैसे गाय को देख लीजिए, गाय की नस्लें होती हैं साहिवाल, हॉस्टिन, और हॉस्टिन एक दिन में 70 लीटर दूध देती है, साहिवाल में 70 लीटर प्रतिदिन। लाल सिंधी है, देवनी है, थरपाटक है, ये सब फ्रिजियन है, हल्लीकर है, भेरी है, ये सब गाय की प्रजाति हैं। भैंस की प्रजाति मुर्राह, जाफराबादी, कंद्रावरी, सुरती, मेहलागा, नागपुरी, नीली, तराई, ये सब भैंस की प्रजाति हैं। बकरी की प्रजाति बर्बरी, जमुनापारी, क्वीटल, मेहसाना, गद्दी, पासमीना, काश्मीरी, अंगोरा, खोरसानी, बलूची, ये सब आपकी बकरी की हैं। भेड़ की प्रजाति मदरवाह, लोही, गुरेज, जलौनी, चोकला, नलोरी, ये सब आपकी क्या है, भेड़ की। और सुअर की श्वेत, वर्कशायर, हैम्पशायर, लैंड्रेस। चलिए आगे बात करते हैं और भी स्पेशल क्वेश्चन। मधुमक्खी, सारंग खैर, भूंगा, छोटी मूंगा, ये सब मधुमक्खी की प्रजाति हैं। मुर्गी की प्रजाति देख लेते हैं, मुर्गी में आपकी है भिनार्क है, सैस वैस है, ऑस्ट्रेलिया है, कार्नेस है, रसील है, लेक्सान है, एन केना है। मछली में देख लेते हैं, साइडाइंस है, मैकरल है, बॉम्बेटक है, कंटला है, चकेला है, विंकला है, क्लेरियम है, ये सब आपकी मछली की प्रजाति हैं। घोड़ा का देख लेते हैं, काढ़ियावाड़ी है, मारवाड़ी है, मरीपुरी है, भूटानी है, स्फीति है, अरवी है, थोरा ब्रेड है। फसल एवं उसके प्रजाति, सोनालिका, गिरजा, प्रताप, मुक्ता, सुजाता, जनक सोप, जयराम, यूपी 378, यूपी 362, कंचन, कुंदन, ये सब फसल के प्रजात हैं, वो भी गेहूं के। धान की प्रजात देखते हैं, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, कला, सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज, ये सब प्रसिद्ध धान के प्रजाति हैं। आलू को देख लेते हैं, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी प्रभाकर, कुफरी बादशाह, सिंदूरी और आपका कुफरी ज्योति, ये सब आलू के हैं। गन्ने के हैं BO43, BO47, BO49, BO64, अर्ली, ये सब गन्ना की प्रजाति हैं। कॉफी के देख लेते हैं, ओल्ड चिक्स, कुर्ग कैंटन्स, S28। चलिए अब बात करते हैं आगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर कहां पर पाए जाते हैं, तो गिर अभ्यारण में, ये आपका गुजरात में पड़ता है। भारत में हाथियों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाथी मेरे साथी योजना प्रारंभ किया था। तक्ष अभ्यारण गधा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण प्रसिद्ध है जो कि असम में पड़ता है। विश्व जीव कोष में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लीवर फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत की गई थी। दाची ग्राम उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो कि सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है और राष्ट्रीय वन नीति ये 1988 में लागू हुआ था। भारतीय वन संरक्षण विभाग कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है बिल्कुल। और वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद 1.7% वनों से प्राप्त होता है। गोबर गैस प्रणाली के जनक आपको पता है सीवी देसाई हैं और एथिल एल्कोहल और पेट्रोल के लिए मिश्रण को गैसोहल कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लैड यानी कि श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति से संबंधित है। ब्लू बेबी रोग जल में नाइट्रेट के प्रदूषण से होता है।
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत के सदा सिंह शहर में हुई थी, कौन सी? उज्बेकिस्तान में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस शहर में हुई थी, तो उज्बेकिस्तान में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के परिषदों द्वारा चुना जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता की हर वस्तु है, परंतु लालच को पूरा करने में असमर्थ है। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। उद्गम स्थल देख लेते हैं, चंबल नदी ये मालवा के पठार से निकलती है और यमुना छिप्रा पार्वती के लिए सिंधवी में जाती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है और अगर महानदी की बात करें तो सिंघावसी यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से निकलती है। चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश में जो कि पड़ता है, अरब सागर से होकर दूही हिरण कुमार तक जाती है। माही नदी ये विंध्याचल के पहाड़ियों से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। साबरमती मेवाड़ की खाड़ी से निकलती है। सिंधु नदी चमांगलियोंग से निकलती है और पेन्नार दुर्गा यानी कि कर्नाटक से निकलती है। तो इस प्रकार ये सब नदियां हैं। अब बात करते हैं अनाई मुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाई मुड़ी है। दुद्दा बेटा ये 2596 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब आगे बात करते हैं और भी क्वेश्चनों को देखते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही है। चलिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने निकाला था या फिर किसने चलाया था? तो आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में इसका संपादन मनसुख लाल नायर ने किया था। किसने किया था? मनसुख लाल नायर ने, बिल्कुल। चलिए भोपाल गैस रिसाव कब हुआ था? तो 1984 में। नेपा नगर एवं ईटा नगर कागज के लिए प्रसिद्ध हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? ऐसे खगोली जो जल वाष्प से धूल बन जाते हैं, जलवाष्प में धूल बन जाते हैं, मिश्रण बन जाते हैं, और ऐसे उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वहां पर चंद्र ग्रहण होता है, जो कि पूर्णिमा के समय होता है। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वहां पर सूर्य ग्रहण होता है। ये अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। चलिए आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ी दर्रे, भारत की प्रमुख पहाड़ी दर्रे, जैसे कारकोरम हुआ ये जम्मू कश्मीर में है, जोंखिला हुआ ये भी जम्मू में है, और पीर पंजाल हुआ ये भी आपका जम्मू में है, और आपका बुनिहाल ये भी जम्मू में है, बुरजिला ये भी आपका जम्मू में है, और आपसे सिपलिका यानी कि पूछा जाए सिपकिला तो ये हिमाचल में है, रोहतांग भी हिमाचल में है, और आपका बारा लाचा ये भी आपका हिमाचल में है। माना ये उत्तराखंड में है और नीत भी उत्तराखंड में है। नाथुला आपका सिक्किम में है, ठीक है, और आपका ये कौन सा है? बोंडिला ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और आपका मगाया ये भी अरुणाचल में है, दीफू ये भी है, पांगसांड ये भी है, और आपका तुजू मणिपुर में है, पालघाट केरल में है, और भोरघाट महाराष्ट्र में है। चलिए भारत के कुछ नृत्य हैं देख लेते हैं, एक मिनट में सभी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आपका कथकली हुआ केरल में और कुचिपुड़ी हुआ आंध्र प्रदेश में, जो कि देव नृत्य से मशहूर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक आपका उत्तर प्रदेश, और शुई नुकी ये आपका राजस्थान में है, धूमर भी राजस्थान में है, और डांडिया आपका गुजरात में है।
चलिए आगे बात करते हैं नूरलिंग नागालैंड में, हटावा मणिपुर में, ठीक है राम भैंस ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और आपसे बात किया जाए धपात की राजस्थान में, और आपका दही कला ये महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार ये सब आपके कुछ मशहूर भारत के नृत्य थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइएगा। चलिए बात करते हैं आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। बायोम किसी प्रदेश में विशेष जलवायु की मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर लेती है जो कि जटिल जैव समुदाय में विकसित होती है, उसे ही बायोम कहते हैं। बिल्कुल, चलिए सागरी लवणता 47% होता है और भारत में जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार देख लेते हैं। विटीकल्चर ये अंगूर से संबंधित है, पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, सेरी कल्चर रेशा से है, हर्टिकल्चर फलों से संबंधित है, ओलवी कल्चर जैतून की खेती से है, आर्वरी कल्चर ये वृक्षों से संबंधित है, एपी कल्चर शहद यानी कि मधुमक्खी से संबंधित है, फ्लोरी कल्चर ये फूलों से है, और वर्मी कल्चर केचुआ से है। वेजी कल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिमानव द्वारा की जाने वाली कृषि से संबंधित है। नेमरी कल्चर आदिक जनजात की कृषि है। ओलरी कल्चर जमीन पर फलों की सब्जियों की अध्ययन की जाती है। मैरी कल्चर समुद्री जीवों का, और हार्सी कल्चर आपके घोड़ों या खच्चरों का, सुल्वी कल्चर वनों के संरक्षण का। कृषि संबंधित क्रांति देख लेते हैं। सुनहरी क्रांति टमाटर से संबंधित है, लाल क्रांति फलों के उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न से, और काली क्रांति बायोडीजल से, संपर्क आपका दूरी और सड़क से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी झींगा मछली से, श्वेत आपका दूध से, और आपका नीली क्रांति मत्स्य से, और रजत आपका अंडा से, पीली आपकी तिलहन से, और भूरी आपकी उर्वरक से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। वंशानुक्रम के नियम, बीज कोष का सिद्धांत, जनन द्रव्य की नियम ये आपका बीजमैन है। बीजमैन ने जन्म देने वाले कोष को कभी नष्ट नहीं होने को बताया है। बिल्कुल, तो ये थे आपके बीजमैन। अब आगे और बात करते हैं आपसे कुछ और स्पेशल क्वेश्चन को। तो भाई ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।